इंदौर वार्ड क्रमांक 28 की कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राधा मुकेश यादव का विशाल जनसंपर्क आयोजन बेहद ही उम्दा रहा। विशाल जनसंपर्क के साथ साथ कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राधा मुकेश यादव द्वारा स्वयं अपने कार्यालय का उद्घाटन समारोह भी रखा गया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री कृपा शंकर शुक्ला मौजूद रहे। शुक्ला द्वारा कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राधा मुकेश यादव के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस आयोजन में इंदौर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला सहित कांग्रेसी नेता श्री राजेश चौक से श्री रमेश यादव, श्री पूनम वर्मा, श्री महेश शर्मा, मनीषा शिरोडकर, श्री चिंटू चौक से श्री राजू भदौरिया, श्री सुभाष यादव मौजूद रहे। इंदौर से संवाददाता इम्तियाज खान की रिपोर्ट। पर आपने देखा होगा 20 साल से हम लगातार आपके बीच मेयर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर क्या करा, हिंदुस्तान में बोल रहे हैं अमृत योजना से लाखों करोड़ों रूपए 700 करोड़ लाख पानी की व्यवस्था कर दी, 28 टंकी की व्यवस्था कर दी, टंकियां बन गई है, ड्रेनेज लाइन डल गई है, इंदौर नंबर वन है। परंतु इंदौर नंबर वन काय के कारण है, आपके अपने कारण है। आपने आज आपका जनसंपर्क रहा तो किस प्रकार का आपको समस्याएं दिखी, वो क्या करना होगा? वार्ड क्रमांक 28 का जो जनसंपर्क था वो संजय शुक्ला जी के लिए था, महापौर के लिए, और उसमें बहुत सारी जन समस्याएं थी। जैसे जो लोगों की समस्याएं थी सबने अपने मुंह से बोली है कि भैया यहाँ ड्रेनेज बहुत गंदी है, पानी की बहुत समस्या है, गली गली में पानी की बोरिंग नहीं है, पानी नलों में गंदा आ रहा है, ड्रेनेज का पानी आ रहा है उसमें मिला हुआ है, आप हमारी ये समस्याएं दूर करो। संजय भैया ने उनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी ये समस्या दूर करेंगे, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं और हम आपकी जो भी समस्या है पानी ड्रेनेज और बत्ती की जो भी आपकी समस्या है इसको दूर कर रहेंगे और आपके लिए संघर्ष करेंगे। और मैं महापौर बनूं चाहे ना बनूं, मैंने मेरे वार्ड में 450 बोरिंग करवाए, मैं आपके हर वार्ड में पूरे में बोरिंग करवाऊँगा और पानी की समस्या को दूर करूँगा। आपकी प्राथमिकताएँ क्या है? मेरी प्राथमिकता ये है कि जनता के जो भी काम है, जो उनकी जन समस्या है, क्योंकि उनको कुछ तो अपने से चाहिए नहीं, क्योंकि वो पैसा दौलत किसी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वो ये मांगते हैं कि भैया जो भी हमारे मोहल्ले की सफाई हो, उसमें गंदगी नहीं रहे, नलों में पानी गंदा आता है, ड्रेनेज का पानी मिला हुआ आता है, ये समस्या 25 साल से है, जब से बीजेपी की सरकार बनी, महापौर इनके इतने बने 25 साल से है, लेकिन ये समस्या दूर नहीं कर पाए। और ये गंदगी बरकरार है, टैपिंग नाले हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या बरकरार है और समस्या हल नहीं हो रही है। जनता से क्या अपील है? जनता से मेरी ये अपील है कि मैं जो भी उनकी समस्या है, संजय भैया महापौर बने, अगर मैं पार्षद जीतूँ या ना हारूँ, मैं भी जो उनसे वादा किया समस्या हम उनकी पूरी दूर करें।